दानिश में आ रहा हूँ, दानिश में आ रहा हूँ। पप्पू यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जन अधिकार पार्टी और बिहार के बड़े नेता हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव, आप बिहार को अच्छे तरीके से समझते हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के लिए ना निगलने वाली ना उगलने वाली स्थिति पैदा हो गई है शहाबुद्दीन के एक बयान के बाद? देखिए एक बात मैं बता दूं, शहाबुद्दीन के पहले भी तस्लीमुद्दीन जी, रघुवंश बाबू, प्रभुनाथ सिंह जी, आप जिनको देखिएगा हर आदमी नीतीश कुमार जी के लिए चैलेंज बनते रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कभी भी नीतीश कुमार की आलोचना ना की हो, और यह आलोचना लालू यादव के सरपरस्ती में की गई। कभी भी आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं सर, बोलिए आपकी बात। सभी सारे पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी की जो भी मजबूरी रही हो, अब गंधार की बात हम नहीं करेंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि एक बड़ी बड़े दुश्मन को समाप्त करने के लिए उन्होंने छोटे दुश्मन के साथ, वो कहते हैं कि मेरा मैंडेट नहीं। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बोली, आपने तीन चार आरजेडी के नेताओं के नाम गिनवाए और बाद में बोला कि ये सभी नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं। एक पॉइंट तो ये आपका बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन पप्पू यादव जिन लोगों के आपने नाम लिए उन लोगों की शख्सियत शहाबुद्दीन से थोड़ी अलग है। वो पॉलिटिशियन तो है लेकिन इतने बड़े अपराधी नहीं कह सकते जितना बड़ा तमगा शहाबुद्दीन पर है। 63 मामले, उम्र कैद की सजा, तेजाब कांड, और इसलिए क्योंकि उनमें से किसी के साथ हमने इतना बड़ा काफिला नहीं देखा होगा जब वो जेल से निकला और मंत्री और विधायक सब खड़े हो। क्या ये बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की छवि को बहुत बड़ा धक्का नहीं पहुंचाता है? मेरी बात बहुत गंभीरता से सुनेंगे तो मैं जरूर कहूंगा। बिल्कुल बोलिए। मेरा आग्रह यह है कि राजद के लिए शहाबुद्दीन बहुत बड़ा नाम है। राजद के कार्य समिति में वो है। राजद पार्टी अपने नेता को किस तरीके से आंकती है, किस तरीके से रखता है, और आप इस बात को मान के चलिए कि जो हालात हैं, आप देखिएगा जो आम पार्टी के जो संदीप कुमार थे उन पर आरोप लगा तो उन्होंने कहा मैं दलित हूं इसीलिए हम पर ये आरोप लगाया जा रहा है। जो हालात इस देश के हैं कि जिस तरीके से नेता दलितों के घर में खाना खा रहे हैं, कई मुसलमानों की बात हो रही है, अब तो बिहार में मर्डर को कास्ट के आधार पर जस्टिफाई किया जाता है, बलात्कार को उत्तर प्रदेश में कास्ट के आधार पर। आप आजम खान साहब ने क्या कहा था आप याद करिए, बलात्कार इतने बड़े हो गए कि बलात्कार कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, मुसलमान है इसीलिए इस तरह की बात। तो अब जो इस देश में राजनीतिक स्थिति है और जो ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन लोग के बारे में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये आप अब अलग अलग अपराधियों के बड़े बड़े लोगों के ये गठबंधन बना लिए हैं। नहीं तो पप्पू यादव आपकी बात से तो लगता है कि लालू यादव शहाबुद्दीन को आगे रखकर अपने MY समीकरण को फिर से रिवैम कर रहे हैं या उसको और इंटैक्ट कर रहे हैं, इसलिए शहाबुद्दीन को आगे रख रहे हैं। बहुत बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि भाई साहब लालू यादव ही नहीं, लालू यादव जी यदि अलग होंगे तो सबके साथ यही आप देखिएगा, आप सुनील पाड़े, आप देखिएगा राजबल्लभ यादव, सुन रहा हूं मैं आपकी बात, सुन रहा हूं यादव, आप देखिए गोपाल मंडल, आप देखिए अनंत सिंह, आप देखिए धूमर सिंह, आप देखिए बीजेपी में देख लीजिए सूरज भान, आप देख लीजिए रमा सिंह, आप देख लीजिए चित्रंजन पांडे, आप बीमा भारती के हस्बैंड, आप एक देखिए शहाबुद्दीन मुझे एक बात समझ में नहीं आ, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। शहाबुद्दीन जी ने जो नीतीश के बारे में बोला है मैं उससे इत्तफाक रखता हूँ, ये उचित नहीं है। नीतीश जी एक पॉलिटिकल प्राणी है, नीतीश एक पॉलिटिकल ताकत है, और ये क्यों नहीं है या कहना कि नीतीश जब जीतन राम मांझी जी को अनंत सिंह पागल कह रहा था तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्यों खामोश थे? मैं वही बात कह रहा हूँ, उस वक्त क्यों खामोश थे? इन्होंने जिस परिपाटी की शुरुआत की आज शहाबुद्दीन उसी परिपाटी पे चल रहे हैं। सर मैं आपको नीतीश जी ने इस परिपाटी की शुरुआत करी थी कि मुख्यमंत्री को एक गुंडे से गाली दिलवाया था और आज उसी परिपाटी पे साथ तमाम लोग चल रहे हैं। आप जिस तरीके की परिपाटी की शुरुआत करेंगे भोगना तो पड़ेगा आपको।
सर मेरी बात सुनेंगे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सुन लेते हैं, एक व्यक्ति जेल से निकल दानिश सुन लेते हैं, दानिश सुन लेते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, फिर तमाम पैनलिस्ट उनके पास भी जाना है। पप्पू यादव जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए भैया दानिश जी और से आप बात करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पूरी बात करिए। मेरा एक बात कहना है, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना और ये जो पॉलिटिशियन है, इन लोगों ने कॉर्पोरेट घराने को, माफिया को, पूंजीपतियों को, रियल एस्टेट को और अपराधियों को जो जो जात का जमात बन गया है, जात का हर लोग जात के, आनंद सिंह अमुक जात के, वो देखिए इसके साथ आप फलना इसके साथ, उसने गाली दिया। देखिए मैं माझी जी भी नीतीश के साथ ही थे और सभी लोग एक ही थे। अब सुशील मोदी जी किस तरीके से बात, नहीं नहीं पप्पू यादव, पप्पू यादव आप पप्पू यादव आप टीवी में इतना वक्त नहीं होता। पप्पू यादव एक सीधी सी बात, शहाबुद्दीन के आने के बाद क्या नीतीश कुमार की राजनीति कमजोर होगी, लालू की राजनीति मजबूत होगी, और क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे कोई फर्क पड़ेगा, सुशासन की छवि पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं जितना नीतीश कुमार को जानता हूं ना, नीतीश कुमार के लिए एवरेस्टमेंट तो हो ही गया है। हाँ। कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से कहा गया ना, देश में नीतीश कुमार के रेस्पेक्ट पर चोट पहुंची है। ये पॉइंट है, नीतीश कुमार के रेस्पेक्ट पे चोट पहुंची है, नीतीश कुमार के लिए एम्बेरसमेंट हो गया और नीतीश कुमार उससे उबर नहीं पाए अभी तक। इसी पे बात करते हैं, आप रहिए पप्पू यादव मेरे साथ। मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है जेडीयू से। डॉक्टर सुनील सिंह आप बताइए। गौरव जी नहीं आ रहा हूं, दानिश रिजवान एक मिनट, दानिश रिजवान मैं आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील सिंह जवाब दीजिए, नीतीश कुमार के रेस्पेक्ट पे केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चोट पहुंची है। देखिए ये एकदम से देखिए रेस्पेक्ट में, अगर कोई व्यक्ति अगर एक अभी माननीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह मजबूती से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जहां पे कानून का राज स्थापित है, और इसके लिए नीतीश कुमार जी मैन ऑफ वर्ड से सारे बिहारवासी और सारे भारतवासी जानते हैं। अब घटक दलों में, सारे घटक दलों में चट्टानी एकता है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री चट्टानी एकता है सर। पप्पू यादव ने जो आपके सामने तमाम नाम खोल कर रख दिए, तस्लीमुद्दीन, फिर उसके बाद रघुवंश बाबू, उसके बाद फिर शहाबुद्दीन, कुछ बोलता है लालू यादव, कुछ खुद नहीं बोल रहे लेकिन अपने नेताओं से लगातार बुलवा रहे नीतीश कुमार के खिलाफ, ये यही चट्टानी एकता है। नहीं गौरव जी, अगर गौरव जी ये मुझे पूरी आशा है कि इस बात को राजद का शीर्ष नेतृत्व गंभीरता से लेगा और एक गैग ऑर्डर इशू करेगा। और आपका एक अभी भी आप आशा ही कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की हस्ती इतनी छोटी नहीं है सर। मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार एक समय पीएम बनने के सपने देख रहे थे और आज एक बाहुबली ने उनके ऊपर सवाल उठा दिया, तो हस्ती नहीं है लेकिन हस्ती गिराई जा रही है क्या साबिर अली, हस्ती गिराई जा रही है क्या? और जो बात पप्पू यादव कह रहे हैं क्या वाकई पीछे गिरा देती है? हस्ती इससे गिर जाती तो ऐसे हस्ती थोड़ी गिरती है गौरव जी। साबिर अली ठीक है, ओके यू मेड योर पॉइंट सर। साबिर अली आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसके बोलने से क्या हस्ती गिर जाएगी? मुझे तो एक बात पे बड़ा तजुब हुआ कि प्रेमचंद जी इतना सुलझे हुए इंसान है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान आया कि नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मटीरियल हैं। अरे बात हो रही है प्रदेश की मुखिया की और आप 2019 की बात करते हो, इसका मतलब है कि साफ जाहिर है कि वो नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, उनको सवाल मुख्यमंत्री का होता है, जवाब प्रधानमंत्री का देते हो, गजब बात है। हम सवाल कहीं से होती है, जवाब कहीं जाती है। खैर मैं आपको ये बता दूं कि जी ज्ञान जितना रहेगा आप उतनी बात समझ पाएंगे। मैं आपको बात बता दूं कि आने के बाद नीतीश कुमार की मोराल मैंने पहले ही डाउन थी, आरजेडी का और डाउन हो गई है। चीफ मिनिस्टर मैं समझता हूं वो नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलता है वो आप नहीं दिखा रहे। आरजेडी का वर्किंग कमेटी का मेंबर जेल से बाहर आ गया, कुछ बोल रहा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है? नहीं वो भी उसी की मैं बात कर रहा हूं, एक बार भी नीतीश कुमार बिहार की बात होती है, आप देश की बात करते हो, अगर कोई बात करे नीतीश कुमार की सरकार ने अरेस्ट किया था। नहीं नहीं लालू जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जोकर हैं,
नहीं है। अरे कौन सा नीतीश कुमार के व्यक्तिगत कारणों से आचरण क्या थी, नीतीश कुमार की आलोचना कर रहा है, का बेटा का कारनामा क्या हुआ था, तीनों नहीं तो रेल की सरकार होगा ना, रेल की पुलिस कर रही है। प्रेमचंद जी क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी 2019 प्रेमचंद मिश्रा एक एक करके व्यूअर को समझ नहीं आएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। प्रेमचंद मिश्रा, साबिर अली जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, कहना क्या चाहते हैं। साबिर अली 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं। प्रेमचंद मिश्रा, इनको अब अगर बिहार की थी, मेरे भगने का मर्डर हो गया, 4 महीना हो गया, अपराधी नहीं पकड़ा गया। आप तस्लीमुद्दीन के बेटे की बात करते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर की, मेरे भांजे का 3 बार कह दिया, एसपी से कहा कान पर जू नहीं रुकती है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर, मेरे भांजे का मर्डर में दिन दहाड़े चौराहे पर हिंदुस्तान के पत्रकार लॉ एंड ऑर्डर की हत्या की बात को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं ना, सिर्फ और सत्ता का पुजारी बता रहे हैं। सुनिए, सुनो, लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है, और आप सुनो, कहोगे कुछ दिनों के बाद, और आपके खिलाफ किसके पास है, राजनीतिक जीवन शुरू किए, राजदेव हत्याकांड की जांच, नीतीश कुमार कांग्रेस को गाली देते रहे, क्या कारण है कि नीतीश कुमार का कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कहते कि नीतीश कुमार ने क्यों नहीं जांच आरंभ की है। चलिए ठीक है, साबिर अली यू मेडो पॉइंट, साबिर अली यू मेडो पॉइंट, साबिर अली आपने बात कह दी, साबिर अली आपने अपनी बात कह दी, साबिर अली रुकिए, साबिर अली होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, साबिर अली नीतीश कुमार की, ओके साबिर अली, साबिर अली होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, प्रेमचंद मिश्रा मैं आ रहा हूं आप सबके पास आ रहा हूं, प्रेमचंद मिश्रा ओके साबिर अली सुनिए, साबिर अली एक एक करके, प्रेमचंद मिश्रा पता नहीं है, साबिर अली साबिर अली नहीं जानते, जवाब दे लेते हैं, साबिर अली जवाब दे लेते हैं, साबिर अली एक मिनट, साबिर अली जवाब दे लेते हैं, प्रेमचंद मिश्रा होल्ड ऑन, साबिर अली जवाब दे लेते हैं आपकी बात, जब फिर आप बोलिए ना एक एक करके, वरना व्यूअर को समझ नहीं आएगा। प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए जल्दी से, प्रेमचंद मिश्रा जल्दी से जवाब दीजिए, बिहार में क्राइम को लेकर जितना क्राइम को लेकर बीजेपी जितना हल्ला मचा रही है, एक सिंपल उदाहरण है, 6 महीने पहले सिवान में एक पत्रकार राजदेव की हत्या हुई, हमने सीबीआई इंक्वायरी को लिखा, 6 महीने हो गए, राजनाथ सिंह ने फाइल को दबा के रखा है, क्या सीबीआई ने क्यों नहीं जांच आरंभ की। आप दो बार अब तक बोल चुके हैं इसी डिबेट में, टोल पर से गैस के दोस्त, पप्पू यादव मैं आ रहा हूं आपके पास, पप्पू यादव 2 मिनट दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, आपकी सरकार आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट पप्पू जी, टोल टैक्स दिए हुए बिना अगर गाड़ी निकल गई तो टोल टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्यमंत्री पर है, जब मिलने गए थे नितिन गडकरी से सवाल पूछिए, फिक्र नहीं कर सकते थे क्या, गडकरी बोल नहीं सकते थे कि राजदेव रंजन की हत्या के जांच बिना टोल टैक्स क्रॉस करने दिया, क्यों बात कर रहे हैं आप, सरकार बिहार की छवि खराब मत, नहीं नहीं एक मिनट, ये प्रेमचंद मिश्रा सुनिए, प्रेमचंद मिश्रा सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, प्रेमचंद मिश्रा, ऐसा तो होगा नहीं कि आरजेडी का कोई एकमात्र कार्यकारिणी का मेंबर था जो जेल से छूटा होगा या जेल में बंद होगा, झूठा या सच्चा मैं नहीं कहता, लेकिन सभी पार्टियों के कोई ना कोई कार्यकर्ता अक्सर जेल में बंद रहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता के लिए इस तरह से हुजूम लगा के खड़ी होती है क्या जेल के बाहर। आधा दर्जन मंत्री, एक बाहुबली जो जमानत पर छूटा है, अभी उसको कोर्ट ने ठहराया नहीं है, कई मामलों में दोषी है, कई अभी कोर्ट ने उसको निर्दोष नहीं ठहराया है, उसके स्वागत में मंत्रियों का जाना, विधायकों का जाना, ये क्या मैसेज देता है सर, जरा ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी कभी जाती है और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में दूसरी पार्टी क्या कभी जाती है इस तरह। देखिए कांग्रेस पार्टी का अपना कल्चर है, उस पर बात अलग दिन, चलिए ठीक है, आरजेडी के बारे में बताइए ना, आप उसको डिफेंड, आप आरजेडी चार बार एमपी रहे, 2 बार एमएलए रहे, हो सकता है उनका इतना संपर्क होगा, लोग उनके मित्र लोग आए होंगे कि 11 साल के बाद बाहर निकल रहे हैं, वो इशू नहीं है, इशू ये है क्या नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों से के प्रति कभी नरमी बरती है, क्या नीतीश कुमार की सरकार ने अपने पार्टी के जुड़े लोगों को भी क्या कभी बख्शा है, कितने जेडीयू से जुड़े लोग जेल में बंद हैं, जो एमएलए हैं उनको पकड़ा है, उसके बाद अगर आप सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात का दानिश रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, दानिश रिजवान पर खड़े हैं पप्पू यादव, बिहार क्या बोल रहे हैं कि छवि, दानिश रिजवान कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पे, दानिश रिजवान को है प्रेमचंद जी, जनता दल यूनाइटेड का नालंदा का प्रखंड अध्यक्ष
शराब के साथ पकड़ा गया और मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप कर गए, प्रधान सचिव बाहर चले गए, लेकिन भाई जनता दल यूनाइटेड उस शराबी प्रखंड अध्यक्ष के साथ खड़ा रहा। अनंत और आप कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ किसी तरह का संरक्षण नहीं देते हैं। अनंत सिंह विधायक, अभी एक हफ्ते पहले की बात, अनंत सिंह जेडीयू के एमएलए थे ना, किसने पकड़ा? अनंत सिंह जेडीयू के एमएलए थे ना? नहीं तो क्या, झगड़ा हो गया, तब अब दिख रहा है, पकड़ लेते ना। अनंत सिंह की गुंडागर्दी 10 साल से चल रही थी। देखिए अनंत सिंह की गुंडागर्दी 10 साल से चल रही थी, और जब आपको यह लगा कि सिंह को वो भी लालू प्रसाद यादव ने पकड़ा, नीतीश जी ने नहीं पकड़ा, लालू जी ने खुले मन से कहा है कि मैंने नीतीश कुमार जी को कहा कि अनंत सिंह को बिल्कुल पकड़ कर रद्द किया, बिल्कुल, क्योंकि यादव का मर्डर हुआ था, यादव का, यानी लालू यादव भारी पड़ रहे थे। और लालू यादव ने सिर्फ इसलिए कहा कि उनको पता था कि शाहबुद्दीन मोहम्मद यादव में आपके पास आऊंगा। ओके, बिहार में दानिश गुंडा होगा, एक ही आदमी होगा जो बिहार के अपराधियों पर नकेल। दानिश, ओके ओके, पप्पू यादव तो क्या वाकई लालू यादव भारी पड़ रहे नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार संभाल नहीं पा रहे लालू यादव को? पप्पू यादव जी, पप्पू यादव बोलिए। देखिए, इन चारों आदमी से हमको बचाइए, हमारा आग्रह है कि लोग अपना लड़े। हमारी विनती यह है, लालू यादव जी भी निकले थे तो हाथी पर चल के निकले थे। ये आप देखिए, ये मुद्दा नहीं है, कौन हजार टोल टैक्स मुद्दा नहीं, इसलिए है टोल टैक्स करीब करीब मैं दिखता हूँ, करीब मिलता टोल टैक्स नहीं देते हैं और बिना टोल टैक्स दिए, ईमानदारी से हाथ पर दिल पर हाथ रख के पूछिए। मुद्दा है बिहार। पप्पू यादव, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ संपर्क कट रहा है आपसे, मैं आपके से फिर से संपर्क करूंगा, आपके पास फिर से आऊंगा। लेकिन सुनील सिंह साहब, मेरा आवाज जा रहा है? नहीं नहीं सर, आवाज बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए। एनएचआई के कर्मचारी रहते हैं, मैंने कहा टोल टैक्स पर एनएचआई के कर्मचारी रहते हैं, उसके लिए आप बिहार सरकार को क्यों कह रहे हैं उसने फ्री कर दिया? एनएचआई का मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। 300 गाड़ियां पहुंची हथियारों के साथ में और आपने भगा दिया उनको। जिस प्रदेश में जो टोल टैक्स होती है वहां के टोल टैक्स की रक्षा करना, एनएचआई के लोग क्या कर रहे हैं? एक मिनट, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। पप्पू यादव अपनी बात कंप्लीट कीजिए। वहां पे सीआरपीएफ के जवान नहीं तैनात किए जाते हैं। चलिए, पप्पू यादव डिस्कनेक्ट हो गए, हम उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा, आप बार बार एनएचएआई को कह रहे हैं, 300 गाड़ियां हथियारबंद वहां पर पहुंच जाएंगी, तो आप स्टेट पुलिस की बात कर रहे हैं, वहां कौन सी सुरक्षा एजेंसी खड़े होकर सुरक्षा करेगी? इशू वो नहीं है, कोई टैक्स नहीं लेगा। नहीं, इशू वो नहीं है, उस बात को करेंगे तो आपसे भी कोई टैक्स नहीं लेगा। इशू ये है, ये पक्का गुंडा राज है क्या बिहार में कि 5 गाड़ियों के साथ हथियारबंद लोग पहुंचेंगे और कुछ भी कर देंगे, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ये गुंडा राज है क्या? वही तो जंगल राज है जो हम कह रहे हैं। भाई, आप टॉपिक है, आप इंग्लैंड में रहते हैं क्या? हथियारबंद लोग पहुंचते हैं, नहीं नहीं, हाथ पे हाथ भरे बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में रह रहे हैं? यही जंगल राज है, हुनुलुलु में रहते हैं क्या? यही जंगल राज है, क्या बात कर रहे हैं भाई? और इसका नतीजा ये है, सुन लीजिए, आपने कहा ना कि 4-5 गाड़ियों में लोग आते हैं, सुनिए, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, जंगल राज है कि आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं आम जनता में, इसी बात का बिहार में टोल टैक्स क्रॉस कर गया, आप उस वो इशू बना रहे? नहीं तो सर, जंगल राज में इशू क्यों ना बने? वो क्यों ना इशू बने सर? सर क्यों ना इशू बने? इशू तो हर वो मुद्दा बनेगा जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ। यही तो बात है कि बाहुबलियों के ऊपर यही तो जिक्र होता रहता है कि वो अपने मन की करते हैं और उन्होंने यूपी में नहीं होता क्या? हरियाणा में नहीं होता? नहीं, क्या हरियाणा में हो तो बिहार में भी हो, दिल्ली में हो तो बिहार में हो। हरियाणा में कोई नेता है कि पाकिस्तानी है कि 47 के साथ पकड़ा गया है क्या? कहां नहीं होता गौरव जी, हरियाणा का कोई नेता है पाकिस्तानी है कि 47 के साथ पकड़ा गया है क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं, पकड़े गए हैं हरियाणा का जो बीजेपी रूल स्टेट में पकड़े गए हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप केंद्रीय क्या बात कर रहे हैं? 24% सर, तो आप इसका मतलब शाहबुद्दीन को डिफेंड कर रहे हैं? बताइए, एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस पार्टी शाहबुद्दीन को डिफेंड कर रही है? कांग्रेस पार्टी शाहबुद्दीन को डिफेंड कर रही है? प्रेमचंद मिश्रा, एक मिनट, दानिश रिजवान, प्रेमचंद मिश्रा, क्या कांग्रेस पार्टी और आप शाहबुद्दीन को डिफेंड कर रहे हैं? आप डिफेंड कर रहे हैं, आप बोलिए, मैं डिफेंड कर रहा हूं। विच कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट?
आई एम डिफेंडिंग कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप सिर्फ बिहार को बदनाम मत करिए। उसी सरकार पर उसी बाहुबली ने सवाल उठा दिया और आप डिफेंड कर रहे हैं उसको, बजाय ये कहने की गलत है आप डिफेंड कर रहे हैं। किस राज्य में बाहुबली नहीं कर रहे? आप कहिए मैं सरकार को नहीं, राज्य में बाहुबली को डिफेंड कर रहा हूं। हैसियत बता रहा है 20 विधायक की हैसियत नहीं आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं। कौन बिहार को बदनाम कर रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहा है और आप कह रहे हैं बिहार की बात ही ना हो। हमें अपोजिशन बिहार को बदनाम, बिहार के मुख्यमंत्री को एक अदना सा बाहुबली बिहार के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा के चला जाए आपके नेता पर और आप कुछ नहीं कहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे सर? सवाल तो बिहार को आप बिहार को बदनाम करने की स्थिति में आपकी सरकार ने खड़ा किया है कि नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, वो परिस्थिति का सीएम नहीं है, वो बिहार के चुने हुए नेता हैं। तो किसी एक अपराधी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उनको बाहुबली परिस्थितियों का नेता बता के चला गया? साबिर अली के लोगों ने ये हालात पैदा कैसे हो गए? उस व्यक्ति से पूछिए नहीं, ये हालात पैदा कैसे हो गए? वो व्यक्ति आपकी आपके गठबंधन की पार्टी का नेता है। कम से कम आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं उसी सरकार में वो पार्टी भी शामिल है। साबिर अली प्रेमचंद मिश्रा जी से बोलिए साहब जी, आपके जरिए जी मैं एक मेरा सवाल है कि प्रेमचंद मिश्रा जी नीतीश कुमार जी से बात कर ले कि अगर थोड़ी भी अगर कोई चीज बाकी रह गई है तो जो मंत्री रिसीव करनी है उनको शेक तो कर दें। अगर बहुत सुशासन बाबू है शेक करके बता दें, शेक कर देना चाहिए। वो चले गए कोई बात नहीं, जेडीयू का कोई मिनिस्टर नहीं गया था, आप उनको शेक कर दो। अगर आरजेडी से जुड़ा, सुनिए, अगर आरजेडी से जुड़ा कोई मिनिस्टर गया होगा तो वो काम देखना लालू जी का है। आज जेडीयू ने लालू जी मुख्यमंत्री नेताओं और मंत्रियों पर गौर करें, जो गठबंधन धर्म का सुनील सिंह के पास चलते हैं। सुनील सिंह साहब बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, ठीक है उनसे सवाल पूछते हैं, लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा साबिर अली एक मिनट, लालू बिहार प्रेमचंद मिश्रा साबिर अली सुनिए सुनील सिंह साहब आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके साथ यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा जी भी हैं और ठीक है, बात थोड़ी बहुत आपके ऊपर जो सवाल आ रहे हैं उनको तो डिफेंड वो भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है सुनील सिंह साहब, आप जिस सरकार में हैं उस सरकार में आरजेडी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बिहार की, और उस पार्टी के एक नेता ने आपके मुखिया पर सवाल उठाया। आप कह रहे हैं कि एम्बेरसमेंट कुछ नहीं है, कोई कह रहा है एम्बेरसमेंट है, लेकिन एक बात यह भी तो समझिए, जनता के बीच मैसेज जा चुका है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। क्या ये पॉलिटिक्स, आप ईमानदारी से बताइए, क्या वाकई पर्दे के पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है जहां नीतीश कुमार छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जेडीयू के लिए एक असहज स्थिति पैदा की गई है? गौरव जी पहले तो मैं बता दूं कि पूरे महागठबंधन में चट्टानी एकता है, शीर्ष नेतृत्व एक साथ हैं। अब रह गई असहजता। अरे सर छोड़िए चट्टानी एकता, उसी गठबंधन की पार्टी के वर्कर ने आपके मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया है, असहजता की स्थिति होती है। आप बताइए जो मैंने पूछा आपसे, पूरा आशा करता हूं कि उस घटक दल के शीर्ष नेतृत्व इस बात को देखेगा, संज्ञान मिलेगा और निश्चित कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर इसके साथ मैं ये बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के हैसियत पर और हस्ती पर अगले चुनाव पे सर अगले चुनाव पे संज्ञान मिलेगा, इतनी बातें हो गई, माननीय नीतीश अभी तक कुछ नहीं आया जो आप कह रहे हैं, अगले चुनाव में संज्ञान में लिया जाएगा। प्री पोल अलायंस है और प्री पोल में शुरू में ही माननीय नीतीश कुमार जी को सीएम डिक्लेयर किया गया था सर। उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि आप वो लेटर हाथ में लेके बैठेंगे और दिखाएंगे। देखिए लालू जी ने अपने साइन से लेटर रिलीज किया पार्टी की तरफ से कि शहाबुद्दीन के बयान को कंडेम करते हैं और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई लेटर आया अभी तक मीडिया में? ऐसा कोई बयान आया आरजेडी की तरफ से? आप धैर्य करें, धैर्य रखें गौरव जी, धैर्य रखें सर। अब तो इतनी छीछा लेटर हो गई, धैर्य आप कैसे रखे हुए मुझे इस पर बड़ा वो हो रहा है। खैर दानिश रिजवान क्या आपको कोई उम्मीद है ऐसा कुछ होगा आरजेडी की तरफ से? आप धैर्य रखें सर, मुझे क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी आपकी है, बंधन में दरार पार्टी आपकी है, लेकिन आप इतना धैर्य कैसे रखे हुए ये बड़े आश्चर्य की बात है सर। दानिश रिजवान क्या कुछ लगता है कि वाकई जो बात कह रहे हैं सुनील सिंह ऐसा कह रहे हैं ऐसा कुछ होगा क्या? और हो सकता है क्या राजनीति को देखें तो, बिहार पूरी तरह मौजूदा राजनीति को देखें तो, और भाजपा वाले का दिवा स्वप्न देखने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप माननीय नीतीश कुमार जी को हस्ती को ऐसे चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है। हाँ शीर्ष नेतृत्व के माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा है कि सरकार 5 साल चलेगी और उनका काम है
कि इस ऐसे असहज बयान सरकार तो चल जाएगी, लेकिन सरकार कैसे चलेगी इस पर सवाल है। कार्रवाई करेंगे, सरकार ऐसे ही चलेगी, सरकार चल जाएगी, लेकिन क्या ऐसे ही चलेगी जहां नीतीश कुमार को छोटे भाई की तरह रहना पड़ेगा, दब के रहना पड़ेगा और लालू यादव अपने हिसाब से चीजें चलाएंगे जो अभी दिख रहा है और लोग आरोप लगा रहे हैं खुलेआम आपके सामने। पप्पू यादव कह के गए, तमाम लोग बैठे हैं ये कह रहे हैं। ये देखिए भाजपा वालों के दिवा स्वप्न का कोई जवाब नहीं है, ये उनका विशफुल थिंकिंग है, वो सोचते रहे, वो ऐसे ही सोचते आए हैं और हर बार मैं आ रहा हूं जनता ने इसी कारण से महागठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया है। अब इस पर जो अगर है पूरी तरह नीतीश कुमार जी और गठबंधन में सभी तरह, आपने देखा कि जदयू के माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी ने जदयू को कैसे डिफेंड किया। ये गठबंधन धर्म है, गठबंधन के सारे घटक दल एक दूसरे के चीजों को उसी ढंग से डिफेंड करते हैं। आपने अभी देखा इसका नमूना था, मिश्रा जी ने कैसे डिफेंड किया। नहीं, उन्होंने एक बात और बोली, दिखता नहीं है कि उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आरजेडी की बात आरजेडी जाने, लेकिन वो डिफेंड भी कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन वो आरजेडी की बात आरजेडी जाने भी कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो आरजेडी भी आरजेडी की बात आरजेडी जाने भी कह रहे हैं कि आरजेडी, लेकिन 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 निश्चित संज्ञान मिलेगा और उचित कार्रवाई करेगा। हाँ, साबिर अली हंस रहे हैं, लेकिन उससे पहले दानिश रिजवान, मैं आपसे पास आऊंगा। दानिश रिजवान, क्या वाकई ये गठबंधन इतना मजबूत है या गठबंधन इतना क्या मॉरली इतना स्ट्रांग है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या वाकई गठबंधन के दूसरे जो साथी हैं वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ चुके हैं? देखिए, पूरी तरह से बिहार में जो गठबंधन है वे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखिए, जब से शहाबुद्दीन छूटे हैं तब से दो राजनीतिक गलियारे में दो तीन तरह की चर्चा हो रही है। पहला तो छूटे साथ उन्होंने जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरीके से जलील करने की कोशिश की, सीधे तौर पे कहा कि 20 विधायक जितवाने की हैसियत नहीं है और मुख्यमंत्री बने हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। और दूसरा, उन्हीं को आगे रख के लालू प्रसाद यादव जी ने सीधे तौर पे राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी जोकर हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि गठबंधन में कितनी बड़ी चट्टानी एकता है। प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए, प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए। नहीं, गलत तो नहीं है बयान, तो आया, जवाब दीजिए आप। नहीं, जवाब दीजिए, ये टोटल नहीं, ये बयान नहीं आया है। नहीं, ये बयान नहीं था, हम लोगों ने सुना है उस वीडियो को। उन्होंने कुमार विश्वास के बारे में ये शब्द प्रयोग किया था, कुमार विश्वास से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था जिस पर कहा था। मैं आज जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ कहकर कंक्लूड करना चाहता हूं। हां, बोलिए बोलिए, कंक्लूजन की तरफ बढ़ी रहे हैं। पार्टी ने मिलकर गठबंधन बनाया था, हाँ, तीनों पार्टी का ये गठबंधन था जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। और ये तीनों पार्टी का दायित्व है कि जनता का जो मैंडेट मिला है उसको रिस्पेक्ट करें और आपस में एक दूसरे का भी रिस्पेक्ट करें। अगर हम एक दूसरे के पार्टी के नेता के बारे में ऊंचे बयान, अशोभनीय बयान देंगे तो वो नहीं चलेगा। इसके लिए बेस्ट होगा, कांग्रेस का सुझाव होगा कि ये नीतीश जी पहल करें, लालू जी पहल करें, कांग्रेस नेतृत्व बहुत अच्छी बात है सर। कोऑर्डिनेशन सर, ये 16 आने का बनना चाहिए, 16 आने सही बात है, मामलों में एक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, 16 आने सही बात है जो आपने कही है, लेकिन सात निश्चय छोटा सा रिएक्शन प्रेमचंद मिश्रा जी 16 आने सही बात है, उससे पीछे नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने जो 16 आने सही बात कही है। लेकिन अगर कोई पार्टी का वर्कर छोटा भी हो या बड़ा हो, अगर किसी उसी पार्टी के गठबंधन जो पार्टी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में है और उसके नेता पर सवाल उठा दे, तो पार्टी के मुखिया को उसको डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? निश्चित रूप से गठबंधन धर्म का यह सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अगर आप किसी गठबंधन में शामिल हैं तो उस धर्म का अंतःकरण से पालन कीजिए, तभी वो गठबंधन धर्म सरकार चलती। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, तीनों दल के नेताओं को इस बात का एहसास होना चाहिए। थैंक यू, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैं साबिर अली एहसास होना चाहिए और जो मैंडेट मिला है उसको मैंडेट। थैंक यू सर, आपने बड़ी ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दिया। साबिर अली, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। साबिर अली, गठबंधन क्या दिखता है आपको? ऐसे ही चलेगा, चल पाएगा 5 साल? और अगर शहाबुद्दीन और ऐसे बयान आते रहे तो क्या नीतीश कुमार सह पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, नीतीश जी के जो मामला, जो उनकी सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, कम से कम बहुत मैं जानता हूं। एक तो जब से शहाबुद्दीन का बयान आया वो असहज होंगे, मैं इसको मान के चलता हूं। लेकिन ये जो गठबंधन है इसमें बड़ी दरार पहले से पड़ी हुई है और वो दरार का निशानदेही एक नहीं, कम से कम 20 मिसाल ऐसे हैं, चाहे वो रघुवंश बाबू का हो, तस्लीमुद्दीन साहब का, जैसे कि पप्पू जी ने कहा। और मैं आपको बता दूं, और उसका ये क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स के बाद जो पिक्चर खत्म होगी अब उसके आसार दिखाई दे रहे हैं।
क्लाइमैक्स है सुनील सिंह साहब, सुनील सिंह साहब क्लाइमैक्स से आसार नजर आ रहे हैं, कुछ हो जाएगा कभी भी, कुछ हो जाएगा सुनील सिंह साहब, क्लाइमैक्स है और कभी भी नेताओं को रोका नहीं। गौरव जी मैं तो यही कहूंगा कि माननीय लालू प्रसाद जी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल डॉक्टर हैं। ये जो राजनीतिक बुखार किसी कार्यकर्ता को या नेता को होता है तो वो भली भांति जानेंगे कि ये वायरल, लेकिन उन्होंने शहाबुद्दीन को तो कोई कड़वी दवा दी नहीं सर, बैक्टीरियल इसमें की इंजेक्शन देने की, शहाबुद्दीन को तो कोई कड़वी दवा दी नहीं, पावर डोज जरूर दे रहे हैं वो उनको राजनीतिक बुखार का। दानिश रिजवान फाइनल कमेंट, दानिश रिजवान क्या शहाबुद्दीन पर लगाम लगा पाएंगे, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार लगाम लगा पाएंगे, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट दानिश रिजवान, फाइनल कमेंट। ओके, बैक्टीरियल में इंजेक्शन देना पड़ता है, एज ए पॉलिटिकल डॉक्टर लालू प्रसाद जी इलाज करेंगे, आप आश्वस्त हैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन लालू प्रसाद इलाज तो करें, फाइनल कमेंट दानिश रिजवान 20 सेकंड। देखिए एक बात स्पष्ट हो चुका है कि अब एक हफ्ते के अंदर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, जिस तरीके से शहाबुद्दीन के छूटने के बाद एक पर एक बयानबाजी हो रही है, राहुल गांधी तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है, और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री के ऊपर में जिस तरह के तरीके की बयानबाजी चल रही है, और मुख्यमंत्री खुद डरे हुए हैं और अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं कि आखिर बचा कैसे जाए, ये अपने आप में शर्मनाक पहलू है। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जंगल राज रिटर्न्स कहने का मतलब ये था कि जो इमेज सुशासन बाबू की नीतीश कुमार ने बनाई थी, चाहे वो बिहार में सरकार में बढ़े हुए क्राइम हो, चाहे इसके अलावा शहाबुद्दीन के छूटने के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, एक असहज स्थिति में सरकार और एक असहज स्थिति में बिहार खड़ा हुआ दिख रहा है। क्या इस असहज स्थिति से बाहर निकाल पाएंगे नीतीश कुमार, और जंगल राज का जो तबका एक बार फिर से तमगा लगता हुआ दिख रहा है बिहार पर, क्या इससे एक बार फिर से छुट्टी दिला पाएंगे, छुटकारा दिला पाएंगे बिहार को, ये देखना होगा। और इस पर तो बहस अभी आगे भी जारी रहेगी, और बिग स्टोरी बिग डिबेट में भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे जैसे हम दूसरे मुद्दों को उठाते रहते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।